दोस्तों आप सभी लोग रिचार्ज तो जरूर करते होंगे, चाहे दोस्तों आप अपना रिचार्ज करो या फिर फ्रेंड्स का रिचार्ज करो, फैमिली का रिचार्ज करो या फिर पड़ोसी का रिचार्ज करो, किसी ना किसी का दोस्तों आप लोग मंथली या फिर रिचार्ज करते ही होंगे कभी ना कभी। दोस्तों अगर आपको मैं बोलूँ कि दोस्तों रिचार्ज करते करते दोस्तों आप बहुत ही अच्छा कमीशन कमा सकते हो, कैशबैक कमा सकते हो। दोस्तों जैसे ही मानो कि आप किसी का रिचार्ज करते हो, चाहे आप अपने दोस्त का करो, अपना रिचार्ज किसी का भी रिचार्ज करो, चाहे उसके पास कोई भी सिम रहे, एयरटेल, वोडा, जियो, किसी तरह का भी दोस्तों उसके पास सिम रहे, एंड अगर आप रिचार्ज कर दोस्तों पर ट्रांजेक्शन दोस्तों आपको कुछ ना कुछ दोस्तों अच्छा कमीशन या फिर कैशबैक गारंटी है मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसा ही एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसके मदद से दोस्तों आप रिचार्ज करके बहुत ही अच्छा कमीशन कमा सकते हो। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि किस तरह से दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो, एंड किस तरह से दोस्तों इस एप्लीकेशन को यूज करके आप रिचार्ज करोगे, एंड दोस्तों कितना कमीशन आपको अगर आप एयरटेल का रिचार्ज करते हो, वोडा का, बीएसएनएल का, जियो का, तो कितना कौन सी कंपनी पे कितना कमीशन, वो सारा चीज़ दोस्तों मात्र आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाहते हो दोस्तों रिचार्ज करके मंथली के अच्छे खासे अर्निंग करना, तो इस वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहना। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, चलता हूँ वीडियो पे एंड वीडियो को करता हूँ फटाफट स्टार्ट। दोस्तों तो यहाँ पे सिंपली से आप लोग आज के मेरे फोन के होम स्क्रीन पे, चलिए अब दिखाता हूँ किस तरह से दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड साथ ही साथ दोस्तों किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो, एंड कितना कुछ कमीशन आपको मिलेगा पर ट्रांजैक्शन पर रिचार्ज पे। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों सिंपली से आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, एंड सिंपली से सर्च बार में जाके सिंपली से आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों ऑल पेमेंट सॉल्यूशन। जैसे दोस्तों आप ऑल पेमेंट सॉल्यूशन लिख दोस्तों सिंपली से सर्च करना है, एंड कुछ इस तरह का दोस्तों ऑल पेमेंट सॉल्यूशन एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपली से दोस्तों सबसे पहले आप इसे इंस्टॉल कर दो, एंड इंस्टॉल करने के बाद सिंपली से दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप ओपन कर दो। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, जहां की दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक आईडी बनाना पड़ेगा जब भी दोस्तों आप पहली बार इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। तो आईडी बनाने के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों नॉट ए मेंबर साइन अप नाउ, तो सिंपली से इस पर क्लिक करोगे, एंड इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे, फिर दोस्तों अपना रजिस्टर ईमेल आईडी एक डाल दोगे जो जिसे आप रजिस्टर करना चाहते हो, एंड थर्ड दोस्तों आपका जो भी नाम है सिंपली से वो यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद सिंपली से दोस्तों आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे, जैसे ही दोस्तों आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे तो जो भी नंबर आपने एंटर किया तो उस पर दोस्तों आपको व्हाट्सएप की तरफ से एक मैसेज आएगा, एंड वहां पे दोस्तों आपका यूजर आईडी एंड आपका पासवर्ड दिया रहेगा। सिंपली से दोस्तों इस यूजर आईडी एंड पासवर्ड को सिंपली से यहां से आप कॉपी करोगे, एंड फिर से दोस्तों एक बार इस एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करो। जैसे रीस्टार्ट करोगे सिंपली से दोस्तों जो भी आईडी पासवर्ड आपको मिला है सिंपली से वो दोनों आईडी पासवर्ड एंटर करके नीचे लॉगिन का बटन देखने को मिलेगा, सिंपली से आप लॉगिन कर लोगे। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन कर लोगे तो सिंपली से दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का यहां पे इंटरफेस खोल के आ जाएगी। तो यहां पे आप रिचार्ज किस तरह से कर सकते हो, बट उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे आप दो चीज ही कर सकते हो, पहला एक डीटीएच रिचार्ज एंड दूसरा मोबाइल रिचार्ज। यहां पे जो और सारे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिले, रिचार्ज, गैस बिल, मनी ट्रांसफर, ये सब काम आप इस एप्लीकेशन की मदद से नहीं कर सकते, यहां पे बस दोस्तों आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो या फिर डीटीएच रिचार्ज कर सकते हो। चलो ये बात तो हो गया, तो सिंपली दोस्तों यहां पे आप रिचार्ज कैसे कर सकते हो एंड कितना कमीशन मिलेगा कौन से सिम पे, वो चीज तो मैं आगे बताऊंगा, पहले बताता हूं कि रिचार्ज आप किस तरह से कर सकते हो। रिचार्ज करने के लिए दोस्तों आपको राइट के टॉप साइड में यहां पे आपको ऐड बैलेंस देखने को मिला, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे, एंड यहाँ पे दोस्तों आप मिनिमम सबसे पहले कुछ भी अमाउंट यहाँ पे आप अकाउंट में ऐड कर लोगे, अपने अकाउंट से दोस्तों इसके वॉलेट में ऐड कर लोगे। यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप मिनिमम 100 रुपये ऐड करो, 500 रुपीज करो, अगर मिनिमम आप 10 रुपये भी ऐड करना चाहते हो सिंपली से यहाँ पे 10 रुपये आप यहाँ पे लिखोगे, एंड ऐड बैलेंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछेगा कि कौन से एप्लीकेशन से आप पेमेंट कटाना चाहते हो। सिंपली दोस्तों आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे मनी को ऐड कर लेना इसके वॉलेट में। जैसे दोस्तों इस ऐप में दोस्तों इस ऐप के वॉलेट में आप कुछ मनी ऐड कर दोगे, उसके बाद सिंपली से दोस्तों आपको रिचार्ज करना होगा। जैसा कि नीचे आप देख पा रहे हो रिचार्ज, मनी ट्रांसफर एंड यूटिलिटी पे, सिंपली से सपोज डेट कि आपको एक मोबाइल रिचार्ज करना है तो सिंपली से यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज पे आपको क्लिक करना है, एंड सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑपरेटर सेलेक्ट करना है कि किस कंपनी का वो सिम है जिसे आप रिचार्ज करना चाहते हो। सपोज डेट मैं यहाँ पे एक जियो का सिम है जिसे रिचार्ज करना चाहता हूँ, तो सिंपली से जियो पे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों जिस भी नंबर पे आप रिचार्ज करना चाहते हो यहाँ पे सबसे पहले उसका यहाँ पे आप नंबर एंटर कर दोगे। नंबर को एंटर कर देने के बाद सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे अमाउंट एंटर करोगे, कितना रुपया आपको दोस्तों यहाँ पे रिचार्ज करना है कितना रुपया। अगर आप दोस्तों ब्राउजर प्लान से देखना चाहते हो कि अभी कितना कितना का रिचार्ज है तो नीचे आपको ब्राउज प्लान देखने को मिलेगा, सिंपली से आप इस पर क्लिक करोगे, एंड यहाँ पे आपको सारा चीज़ बता देगा कि यहाँ पे कितना रुपया का आप रिचार्ज कर सकते। जैसे देख सकते हो सबसे पहला रिचार्ज 75 रुपीज़ का, फिर 91 रुपीज़ का है, एंड 125 रुपीज़। ऐसे ही दोस्तों आप प्लान सेलेक्ट कर लोगे कितना का आपको रिचार्ज करना है। सपोज दैट दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों 249 का रिचार्ज, सिंपली से मैं इस पर
यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सेलेक्ट करने का नीचे दोस्तों सिंपली से आपको प्रोसीड टू रिचार्ज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करोगे दोस्तों यहाँ पे आपसे एक बार कंफर्मेशन मांगेगा, एंड जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू करोगे तो सिंपली से दोस्तों वो नंबर रिचार्ज होगा एंड आपके वॉलेट से पैसा कट जाएगा। एंड इंस्टेंट दोस्तों 2 से 4 सेकेंड में आपका जो भी नंबर आपने एंटर किया वहाँ पे दोस्तों आपका जो यहाँ पे दोस्तों रिचार्ज आपने किया है तो उसके बदले दोस्तों आपके वॉलेट में उतना पैसा कट जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों जब ये काम हो जाएगा तो आप बात कर लेते दोस्तों का कि आपको कमीशन कितना मिलेगा। अगर आप जियो का रिचार्ज करते हो या फिर एयरटेल का रिचार्ज करते हो तो उसके बदले आपको ये ऐप कितना कमीशन देगी। तो कमीशन देखने के लिए आपको करना क्या, सिंपली से दोस्तों आपको नीचे जाना स्क्रॉल करके, एंड सबसे नीचे आपको एक सेशन देखने को मिलेगा जहाँ की लिखा हुआ है माई कमीशन। तो सिंपली से जैसे ही आप माई कमीशन पर यहाँ पर एंटर करोगे यहाँ पर पूछा जाएगा कि किस चीज़ का आप मोबाइल रिचार्ज का जाना चाहते हो, डीटीएच का देखना चाहते हो, पोस्ट पेड का। तो सिंपली से यहाँ पर आप मोबाइल रिचार्ज सपोर्ट डेट की मुझे मोबाइल रिचार्ज का कमीशन देखना है तो सिंपली से आप मोबाइल पर क्लिक करो। जैसे ही मोबाइल पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने दोस्तों यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा कि कौन सी कंपनी पर आपको कितना परसेंट यहाँ पे कमीशन मिलता है। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों एयरटेल की बात करते हैं, एयरटेल की अगर आप रिचार्ज करते हो कितना का भी रिचार्ज करते हो, जैसे कि 249 का किया तो 249 का दोस्तों 2.5% आपको इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएगा। जैसे BSNL का किया तो वहाँ पे आपको 4% जो, एंड यहाँ पे दोस्तों आइडिया की किया तो यहाँ पे 3.5%, वोडाफोन का भी किया तो 3.5% आपको यहाँ पे दोस्तों इंस्टेंट कमीशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक लिस्ट देख सकते हो कि कौन सी कंपनी पे आपको कितना कितना यहाँ पे दोस्तों कमीशन दिया जा रहा है। तो सपोज दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे रिचार्ज किया, एंड रिचार्ज करने के बाद मुझे जो भी कमीशन मुझे मिला है उसे हमें निकालना। तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली से स्क्रॉल करके नीचे जाना, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिला दोस्तों AEPS पेमेंट। तो सिंपली दोस्तों AEPS पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको DMR वैलेट में बता देगा कि आपने कितना रुपया यहाँ पे कमाया, कितना कमीशन के तौर पे कमाया। तो फिलहाल मैंने तो 1 भी रुपया नहीं कमाया, बट जैसे ही आप कमाओगे तो यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिला। सिंपली से दोस्तों आप कैश विड्रॉल पे सेलेक्ट करोगे एंड जितना भी रुपया आप निकालना चाहते हो सिंपली से यहाँ पे नंबर आप दोस्तों जितना भी अमाउंट है वो एंटर करोगे एंड प्रोसीड टू विड्रॉ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों इंस्टेंट दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा जाएगा किस अकाउंट में लेना चाहते हो, सिंपली से वो अकाउंट नंबर एंटर करोगे एंड इंस्टेंट दोस्तों आपका जो कमीशन है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों सिंपली से इस एप्लीकेशन के मदद से दोस्तों आप रिचार्ज करके महीने के अच्छे कमीशन यहाँ पे कमा सकते हो। टोटल की बात करें तो अच्छा खासा, अगर दोस्तों आप फैमिली मेंबर या फिर किसी का रिचार्ज करते हो, पड़ोसी का रिचार्ज करते हो, तो दोस्तों मंथली आप अच्छा खासा दोस्तों कमीशन यहाँ से कमा सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों आज के इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किस तरह से दोस्तों आप सिंपली से रिचार्ज करके अच्छा खासा कमीशंस किस तरह से कमा सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा सा भी हेल्प किया होगा, अगर थोड़ा सा दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड साथ ही साथ दोस्तों नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा देना, बिकॉज दोस्तों इस चैनल से आपको इसी तरह के यूजफुल एंड हेल्पफुल कॉन्टेंट हमेशा मिलती रहती है। तो दोस्तों तब तक के लिए जैन इस तरह की वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।